देखिए आज जो वीडियो एडिट करने वाला उसमें वीडियो में है कोई कॉमेडी वीडियो में जैसे आप मीम और साउंड इफेक्ट कैसे लगाएंगे, मीम प्लस साउंड इफेक्ट वीडियो एडिट कैसे करेंगे, ठीक है। दोनों वीडियो आपको लगाना है, दोनों चीज़ें आपको वीडियो के अंदर लगाना है। तो आपने देखिए कहीं से भी आपने अपने खुद की वीडियो शूट की है या फिर कहीं आपने बाहर से शूट किया है, ठीक है, किसी बाहर का निकाला है, उस वीडियो को भी आपको एडिट करने के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो एडिट करने के लिए मीम प्लस साउंड इफेक्ट वीडियो को एडिट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले जो चीज़ है BN एप्लीकेशन, दूसरी आपका मीम, तीसरा आपका साउंड इफेक्ट, ठीक है। साउंड इफेक्ट और मीम आपको कहाँ से लाएंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो में बने रहेंगे। अब सबसे पहले आपको करना क्या, अपना BN एप्लीकेशन ओपन कर लेना। BN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको अपनी वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आपने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक मंगरू है जो आपको, जिसका नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस व्यक्ति है ये, ठीक है। तो इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ बिना मीम और बिना साउंड इफेक्ट का, ठीक है। तो इसको फिर एडिट करके भी दिखाऊंगा। तो सुनिए पहले बिना मीम और साउंड इफेक्ट की वीडियो कैसी लगती है आपको। मेरी तो दो दो माँ है। आपके पापा ने दो दो शादी की है क्या? नहीं, शादी तो एक से करी है। और दूसरी? दूसरी तुम बनने की कोशिश कर रही है। बनने की कोशिश नहीं कर रही, सलाह दे रही हूँ तुम्हें। जरूरत मुझे पैसे की है, दे तुम सलाह। पैसों की जरूरत है तो कमाओ ना फिर। हाँ तो रेडी से आगे जाओ ना फिर, जब तो कमाओ। तो आपने देखा इस तरह की वीडियो है और इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, कुछ भी मज़ा नहीं आया। पहले आपको ये तो पता कि हाँ ये मंगरू है, तो इसका जो आपका आवाज़ है वो डायलॉग है आपको पसंद आया होगा क्योंकि फेमस है। अगर यही नॉर्मल व्यक्ति रहता और इस तरह की बोला होता बिना मीम और साउंड इफेक्ट का, तो ये वीडियो वायरल नहीं जाती है। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। अब मैं इसमें बताता हूँ मीम और साउंड इफेक्ट कैसे एडिट किया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको सेव एज रिप्लाई है, जैसे कि इसने बोला कि मेरी दो दो माँ है, पहली मेरी माँ, दूसरी तुम बनने की कोशिश कर रही हो, ठीक है। तो जैसे इसने बोला वहाँ पे आपको कट लगाना है। मैं आपको बोला हूँ कि आपके जो वीडियो रहेगी उस वीडियो का जो खराब पार्ट रहेगा उसको हटा देना। जहाँ पे आपका सेव एज रिप्लाई है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे दमदार वर्ड है, वहाँ पे आपको कट लगाकर वहाँ पे मीम को ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखाता हूँ। नहीं, शादी तो एक से करी है। और दूसरी? दूसरी तुम बनने की कोशिश कर रही है। तो गाइस देखिए अब इस जगह मैंने वीडियो को कट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे मीम लगाना है। मीम लगाने के लिए करने का जो बाइट वाला लाइन आपको सबसे बड़ी लाइन दिख रही है BN एप्लीकेशन में, उस वाली लाइन को आपको यहाँ पे साइड में ले जाना है, बिल्कुल वहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन के पास जो बीच में आपको प्लस दिख रहा है कट वाले, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ वीडियो वाला एक ऑप्शन दिखेगा साइड में, इस वीडियो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन दिखेगा, इस वीडियो वाले पे क्लिक करेंगे। जो मीम आपको लगाना है यहाँ से मीम वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से प्रोसेस कर दीजिएगा। ये प्रोसेस होगा, वहाँ पे ये जाके लग जाएगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। प्रोसेस हो गया है, अब ये जाके यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। ये मीम बहुत बड़ी है तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे नहीं चाहिए, बस यहाँ से चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और इसको फिर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, साइड वाले को इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये मीम यहाँ तक रहेगा, मुझे बस यहीं तक चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब इसको भी मैं पीछे यहाँ से कट कर लेता हूँ और एक मीम ओवर है मेरे पास जो मैं यहाँ पे सेव एज रिप्लाई वाला है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ये फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये जो मीम है मैं यहाँ पे से सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ से डन कर लूँगा, ठीक है। ये यहाँ पे लग जाएगा। अब इस वाले मीम को मुझे यहाँ पे लगा लेना है और अब क्या करना है, इसमें साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला जो मीम है यहाँ पे लगाओ, इससे पहले आपको थोड़ा सा पहले क्या करना है, साउंड इफेक्ट लगाना है। इसी जो मीम का साउंड इफेक्ट है जो आपको पता होगा कूल माइंड मूवमेंट वाला जो मीम है उसका साउंड इफेक्ट आपको पता होगा, बीच वीडियो के पीछे एक म्यूजिक चलता है, उस म्यूजिक को आपको यहाँ पे लगाना है। कैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक म्यूजिक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए BN एप्लीकेशन में बहुत बढ़िया फीचर दे रखा है, ठीक है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद माई म्यूजिक पर क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट एंड फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन आएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ पे से ओके कीजिए। जो आपका म्यूजिक है उस वाले पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको आ जाएगा ये जो म्यूजिक आपने देखा, ये मुझको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फाइल का नेम आ जाएगा, फाइल वाले पे क्लिक कीजिए। मैंने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है, यहाँ से ये न्यू वाले में डाल रखा हूँ मैं, तो यहाँ पे म्यूजिक म्यूजिक मिल रखा है। यहाँ पे से क्या करना है आपको, यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको आगे करके नेक्स्ट कर देना, थोड़ा सा यहाँ से मैं इस तरह करके पूरा नहीं लगाना है, थोड़ा सा कट करना है यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इतना करके यहाँ तक इतने पर लगाना है, ठीक है। अब बाकी इसको मैं देखिए यहाँ से जैसे प्ले करेंगे म्यूजिक के साथ साथ आपका मीम भी आएगा और आपका साउंड इफेक्ट भी बचेगा। अब मैं आपको इसको पूरा प्ले करके दिखाता हूँ। मेरी तो दो दो माँ है। आपके पापा ने दो दो शादी की है क्या? नहीं, शादी तो एक से करी है। और दूसरी? दूसरी तुम बनने की कोशिश कर रही हो। मैं बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ तुम्हें। जरूरत मुझे पैसे की है, दे तुम सलाह रही हो। पैसों की जरूरत है तो कमाओ ना फिर। हाँ तो रेडी से आगे जाओ ना फिर, जब भी तो कमाऊंगा, चलो।
इसी प्रकार को आपको अपनी वीडियो एडिट करना है गाइस। देखिए, मैं ठंड का मौसम है, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे घर जाना है। मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, बस इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये साउंड इफेक्ट और म्यूजिक और जो मीम है जो आपको डाउनलोड करना है, तो आप क्या करना है कि आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा नीचे, वहाँ पर आपको जुड़िए, ठीक है। वहाँ पर मैं सारे मीम्स और साउंड इफेक्ट का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी जिसको कुछ समझ में नहीं आता, मेरा इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए, मुझे पूछिए और आप अपना सवाल कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। जो भी कुछ पूछना हो, जो भी डाउट रह गया वो पूछना जरूर है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये मेरा वीडियो नहीं है, आप ही का वीडियो है, तो इसे लाइक करके भेज दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियो बनाने के। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।